प्यार भरा अभिनंदन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हिंदी की कक्षा में आप सभी का प्यार भरा अभिनंदन। आज हम हिंदी की कक्षा में इस वीडियो के माध्यम से पाठ 6 रेल का खेल पाठ का वाचन करेंगे और एक ही मात्रा वाले शब्दों का उच्चारण करना सीखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं पाठ में दिए गए एक ही मात्रा वाले नए शब्द। लाल रंग से दिए गए व्यंजन के ऊपर एक ही मात्रा लगी हुई है, जैसे कि रेल, रेल पटरी पर चलती है। मेंढक, मेंढक टर टर की आवाज़ निकालता है। मेज़, मेज़ लकड़ी की बनी हुई है। खेल, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। बेटा, बेटा अपने पिताजी के साथ दौड़ रहा है। अब हम कुछ और एक ही मात्रा वाले शब्दों का उच्चारण करते हैं। देर, फेर, ढेर, घेर, शेर, शेर, मेज, तेज, बेल, जेल, खेल, झेल, फेल, देखा, रेखा, तेरा, फेरा, घेरा, डेरा, शेरा, मेवा, देवा, मेला, चेला। अब हम एक ही मात्रा से बनी एक कहानी सुनते हैं, जिसका नाम है रेल का खेल। बारिश का दिन था। घर में रमेश, उमेश और गणेश रेल बनाकर खेल रहे थे और गा रहे थे। घर के दूसरे कमरे में परिवार के सभी चाय पी रहे थे। अचानक महेश के हाथ से चाय का प्याला गिर गया। तभी सबकी नज़र घर में आए मेंढक पर पड़ी। वह टर टर की आवाज़ निकाल रहा था और अपने साथ लाए कीचड़ से ज़मीन गंदी कर रहा था। तभी सब यह देखकर उसे बाहर निकालने की सोच रहे थे। तभी रमेश, उमेश और गणेश की रेल की आवाज़ से मेंढक घबराकर मेज के नीचे घुस गया। रेशमा ने झटपट झाड़ू से मेंढक को बाहर फेंक दिया। तो बच्चों, इस कहानी में लाल रंग से दिए गए शब्द एक ही मात्रा के शब्द थे। अब मैं आशा करती हूँ आप सभी को एक ही मात्रा वाले शब्दों का उच्चारण करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।